वीडियो में बात करेंगे फैमिली आईडी के बारे में। सबसे पहले आपने एमआईएस पर अपने पर्सनल एमआईएस से लॉगिन करना है, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है तो उनका एमआईएस अपडेट कर दिया गया है। तो यहाँ सबसे पहले मैं लॉगिन कर रहा हूँ एक आईडी से। तो यहाँ लॉगिन करने के बाद आपके पास एमआईएस पे क्लिक करना है। वहां पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अपडेट परिवार पहचान पत्र, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास से ये पूछेगा कि आपके पास फैमिली आईडी है या नहीं। अगर नहीं है तो नो करें, अगर है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम आधार नंबर डालेंगे, आधार चेक करेंगे कि पहले आईडी क्रिएट है या नहीं। अभी जैसे यहाँ पे नॉट रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है फॉर दिस आधार, अगर इसकी आईडी बनी होती तो यहाँ पे जो नंबर आधार के साथ लिंक है इसका, उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाता, आप ओटीपी यहाँ पे डाल देते। ओटीपी डालते ही उसकी आईडी ओपन हो जाती और उसके सारे फैमिली मेंबर जो है यहाँ पे शो हो जाते आपको। आपने ऐड और डिलीट दो बटन आते हैं यहाँ पे, अगर नंबर लिंक है तो ऐड वाले पे जा करके आपने उसकी सारी प्रोफाइल अपडेट करनी है। एक एक एम्प्लॉय के सामने, जो फैमिली है उसके हर फैमिली मेंबर के नाम के सामने ऐड का बटन होगा, वहां पे ऐड पे क्लिक करके आपको एक एक करके सभी की आईडी अपडेट करनी है। जो मेन हेड है फैमिली का, उसके बर्थ प्रूफ में आप 10वीं की डीएमसी या बर्थ सर्टिफिकेट या कोई सीएमओ से सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट आप उसके साथ लगा सकते हैं। चार आईडियां हैं, चारों में से आप कोई भी आईडी लगा सकते हैं। उसके बाद जितने भी फैमिली मेंबर है सभी का आपने आधार अपडेट करना है, और जो क्वालिफिकेशन है वो सारी डिटेलें अपडेट करने के बाद जो करेक्शन आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिले हैं उनके आधार पे आपने वेरीफाई करके सबमिट कर देना है, और उसके बाद उसकी आईडी कंप्लीट हो जाएगी। अभी इसका नंबर है जो आधार से लिंक नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, आपको पहले ई दिशा से भी चेक कर लेनी है। कई बार यहाँ पे डाटा नहीं उठाता है तो ई दिशा पे भी आपने चेक कर लेना है, ठीक है। तो वहां पे चेक करने के बाद अगर लगता है कि इस आधार की आईडी नहीं बनी हुई है तभी आपने आईडी क्रिएट करनी है। क्रिएट करने के लिए रजिस्टर फैमिली पे क्लिक करेंगे, इस तरह का फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपने उसकी सारी जो फैमिली हेड है उसकी एंट्री करनी है, फैमिली हेड का वो आधार नंबर, उसका फर्स्ट नेम, जैसे यहाँ पे मैं नाम भर रहा हूँ राजवीर। राजवीर भरते ही हम टैब को जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पे हिंदी में उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ही हम सिंह की एंट्री करेंगे कहीं और क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हिंदी में नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ मेल फीमेल जो है वो सिलेक्ट करेंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ उसके सर्टिफिकेट के हिसाब से अपडेट करेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ अपडेट करेंगे। तो इस तरह से आपने उसका बैंक अकाउंट नंबर देख सकते हैं आप, हेड का है जो कंपलसरी है। यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर सारा ये फिल करना है आपको। यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ नीचे देखिए जो मैंने डॉक्यूमेंट दिखाए थे, एसएलसी, बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिक या कोई भी सर्टिफिकेट जिसपे उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो, और यहाँ सीएमओ से वेरीफाई जो सर्टिफिकेट है, जो अनमेरिड चिल्ड्रन है, चाइल्डलेस है तो उनके लिए ये है। कोई भी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जो आप सर्टिफिकेट लगाएंगे उसको 200 पिक्सल पर उस स्कैन करें, और उसका साइज पीडीएफ में 100 KB से कम होना चाहिए तभी वो अपलोड होगी, ठीक है। पीडीएफ में 100 KB से कम साइज को यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद सेव करेंगे तो आपके पास यहाँ स्क्रीन पे मैसेज आएगा कि आईडी ये नंबर है और क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरह से आप नई आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं जिनका आपने ई दिशा और इस साइट से दोनों से अच्छी तरह से चेक कर लिया है। एक आधार से चेक नहीं होता तो आप दूसरे का फैमिली मेंबर का भी डाल के चेक करें, अच्छे से चेक करें, क्योंकि डबल आईडी क्रिएट किसी की ना करें, इसलिए ध्यान से इसको क्रिएट करें नई आईडी को। और जो पुरानी आईडी होगी वो ऑटोमेटिक आ जाएगी, उसको अपडेट करके यहाँ लास्ट में जब सभी की डिटेल भर दी जाएगी वहाँ यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा, उस पर सबमिट कर दीजिए। सबमिट करके उसका आप एक प्रिंट आउट ले लीजिए, 2 पेज पे उसका प्रिंट आउट आ जाएगा। जो ये कॉलम दिख रहे हैं सेम कॉलम आपके पास पीडीएफ में आ जाएंगे, और उसका प्रिंट करके आप एम्प्लॉय को दे सकते हैं, या जो भी लोग हैं जिनकी आपने अपडेट की है आप उसको सेव भी कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी ले सकते हैं जब आप उसको फाइनल सबमिट करेंगे। जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं करते हैं